नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के साथ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये है हीरक भस्म। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हीरक भस्म, हीरा भस्म, डायमंड एश पाउडर, वज्र भस्म, इन तरह के नामों से भी इसे जाना जाता है। इस औषधि को हीरे यानी कि डायमंड से बनाया जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, हीरा जो है ये एक बहुमूल्य पत्थर होता है, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हीरक भस्म कितनी बहुमूल्य औषधि होगी। इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप में, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ये जो दवा है फ्रेंड्स, शरीर के रोग हटाने में, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियों में हीरक भस्म का उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। कौन सी बीमारियों में हीरक भस्म का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है, इसे किस तरह से सेवन किया जाता है, इसके अलावा इसका उचित डोज कितना लेना चाहिए, किन लोगों ने हीरक भस्म का सेवन नहीं करना चाहिए, हीरक भस्म के सेवन से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। हीरक भस्म जो है फ्रेंड्स, ये एक बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, हृदय के लिए एक उत्तम रसायन है। इस औषधि का सेवन करने से कफ रोग, क्षय रोग, मोटापा, पीलिया, भगंदर, बवासीर एवं नपुसकता आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इस औषधि को किसी भी रोग में तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब वह रोग असाध्य हो जाता है या फिर सामान्य औषधियों से ठीक न होने वाला ऐसा अगर कोई रोग है तो उसमें इस हीरक भस्म का प्रयोग किया जाता है। ये जो हीरक भस्म है फ्रेंड्स, यह औषधि कैंसर में भी प्रभावी रूप से कार्य करती है। कैंसर के रोगियों को हीरक भस्म को गौमूत्र के साथ सेवन करने से बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। इतना ही नहीं, हीरक भस्म का सेवन करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति HIV एड्स जैसी भयंकर एवं असाध्य बीमारी से भी लड़ सकता है। हीरक भस्म का सेवन जो है दमा या अस्थमा की जो समस्या है, श्वास लेने में तकलीफ की जो समस्या है, इसमें किया जाता है। इसके अलावा यह औषधि हृदय को बल देने वाली एवं हार्ट अटैक या हृदयघात में लाभ पहुंचाने वाली औषधि है। यह वाजिकारक, वीर्यवर्धक एवं शक्तिवर्धक टॉनिक है। यह नपुंसकता को दूर कर व्यक्ति को नवजीवन प्रदान करती है। कैंसर में गौमूत्र के साथ अगर हीरक भस्म को दिया जाता है तो इस बीमारी में भी हीरक भस्म का बहुत ही अच्छा लाभ देखा गया है। यह रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि है। इसका सेवन करने से HIV एड्स जैसी भयंकर बीमारी में भी लाभ मिलता है। यह जो हीरक भस्म मेडिसिन है फ्रेंड्स, त्रिदोष नाशक है। इसका मतलब कि इसके सेवन करने से वात, कफ, पित्त तीनों दोष संतुलित रहते हैं। यह जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, शरीर में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को नष्ट करती है, जिससे कि आपको मोटापा जैसी समस्या में भी काफ़ी लाभ देखने मिलता है। इसके अलावा जो कोढ़ होता है, कुष्ठ रोग जो होता है फ्रेंड्स, इसमें यह जो हीरक भस्म का सेवन है बहुत ही फायदेमंद होता है। यह जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, TB रोग यानी कि क्षय रोग या गले में अगर आपके बहुत ज़्यादा कफ जम गया है तो ऐसे में भी इसका सेवन बहुत ही लाभदायी होता है। इसके अलावा पंडू रोग, पीलिया में भी हीरक भस्म का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, ये वो सारी बीमारियां हैं जिसमें हीरक भस्म का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम देख लेते हैं कि हीरक भस्म का कितना उचित डोज आपको लेना होता है। तो हीरक भस्म की कम से कम जो प्रभावी खुराक है वो है 1.25 मिलीग्राम, और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक प्रतिदिन है जो है वो है 10 मिलीग्राम। तो आपको दिन में 2 बार इस मेडिसिन को लेना है, और इसे आप दूध में मिश्री मिलाकर ले सकते हैं। यह जो हीरक भस्म मेडिसिन है फ्रेंड्स, ये पत्थर की तरह होती है। तो आपको क्या करना है, एक सिलबत्ते में इसे अच्छी तरह से बारीक कूट लेना है, और जब ये पाउडर फॉर्म में बन जाती है तब आपको इसका जो उचित खुराक है उसे या तो आप दूध में मिश्री मिलाकर ले सकते हैं या फिर आप पानी में भी मिश्री मिलाकर इसे ले सकते हैं। अब अगर इस मेडिसिन को आपको शिशुओं में देना है तो इसकी जो खुराक है फ्रेंड्स, वो 0.5 से लेकर 1.25 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। अगर बच्चों में देना चाहते हैं तो 1 मिलीग्राम से लेकर 2.5 मिलीग्राम तक इसकी उचित खुराक होनी चाहिए। वयस्क में देना चाहते हैं तो 2.5 मिलीग्राम से लेकर 6.25
25 मिलीग्राम तक। वयस्क व्यक्ति है और बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो 6.25 से लेकर 8 मिलीग्राम तक इसकी मात्रा आप दे सकते हैं। गर्भावस्था में जो है 1 मिलीग्राम से लेकर 2.5 मिलीग्राम तक इसकी उचित खुराक है। वृद्धावस्था में जो है 2.5 मिलीग्राम से लेकर 6.25 मिलीग्राम। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इस हिरक भस्म को लेने से पहले आपको कौन सी सावधानियां बरतनी होती है या फिर इसके कोई दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, हिरक भस्म को केवल आपको योग्य चिकित्सक की देख रेख में ही सेवन करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इस औषधि का अगर आप सेवन करते हैं तो इसके बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। अधिक मात्रा में इस औषधि का सेवन करने से पेट दर्द होना, पेट में जलन होना, उल्टी होना, ऐसी भी समस्याएं आपको देखने मिल सकती है। इस औषधि को बच्चों की पहुंच से दूर ही रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उन्हें इस औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस औषधि की उचित खुराक उन्हें लेनी चाहिए। इस औषधि को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो ये वो सारी सावधानियाँ या प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आपको हिरक भस्म के सेवन करने से पहले बरतना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप हिरक भस्म का सेवन करते हैं तो ये सारे दुष्प्रभाव भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो आप हिरक भस्म का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेकर इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए ताकि आप के शरीर पर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते भी है फ्रेंड्स तो इसके बारे में आपको आपके डॉक्टर उचित सलाह दे सके। इस प्रोडक्ट की जो नेट क्वांटिटी है वो है 100 mg और इसकी MRP है ₹637। इसे उंझा फार्मेसीज इंडियन कंपनी ने बनाया है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है अक्टूबर 2018 एंड इसकी एक्सपायरी डेट है सितंबर 2023। तो करीब 5 साल का जो है इसका लाइफ शेल्फ दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आज की ये हिरक भस्म आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी मिल सके और इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का फ़ायदा उनके स्वास्थ्य पर हो सके। इसी तरह की मोस्ट इफ़ेक्टिव यूज़फुल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।